की धर्मनगरी हरिद्वार से। पथरी क्षेत्र ग्राम पंचायत श्री भागीरथी नगर से ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी ने 114 वोट से जीत हासिल करी। हरिद्वार पथरी क्षेत्र ग्राम पंचायत टिहरी भागीरथी नगर से ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री गुरुदीप बटोला को 114 वोटों से जीत प्राप्त हुई। मैं श्रीमती पार्वती देवी श्री गुरुदीप बटोला ग्राम पंचायत श्री भागीरथी नगर के सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर प्रधान पद के काबिल समझा और मुझे प्रधान पद दिलाया। मैं वादा करती हूँ कि हमारे ग्राम टहरी भागीरथी नगर के जो भी कार्य होंगे उन्हें हम बखूबी ईमानदारी के साथ कराएंगे। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व ग्राम का विकास आवश्यक रूप से कराएंगे। इस जीत की खुशी में मैं तो अपने ग्रामवासियों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इतना लायक समझा और मुझे भारी से भारी मतों से जिताया। और मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी उनका कार्य होगा मैं उसने ईमानदारी से पूरा करूँगी, चाहे बात रोडों की हो, चाहे बात मंदिरों की हो, चाहे बात उसकी बारात घर की हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका जो भी काम होगा पूरी ईमानदारी से करूँगी। गांव में शिक्षा के लिए अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा के लिए बच्चियों का क्या संदेश है? नए प्रधान बन गए हैं और अपने क्षेत्र में गाँववासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश देना चाहूँगा, मेरे द्वारा पूर्व में भी पंचायतें, चाहे पंचायतों का गठन हो, चाहे जो है राजस्व ग्राम का हो, चाहे भूमिधर अधिकार जो हमारा अभी गतिमान चल रहा है उस कार्य को सबसे पहले हम पूरा करेंगे। पंचायतों का गठन हमने किया था, हमने करवाया, मगर लड़ने वाले तो कही थे मगर ये नहीं देखा कि कौन इन पंचायतों में किसने काम किया। ये चुनाव जो है ज़बरदस्ती हम पर थोपा गया, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि ये निर्विरोध हो, नहीं तो यहाँ पर प्रधान ही निर्विरोध होना था, मगर कई पार्टियाँ मिलकर हमें लड़ाने का वो किया, मगर हमारी बहुत अच्छे उससे जीत हुई। और रही विकास की बात, तो हमने जो भी विकास की सड़कें हों, जो बारात घरों का सौंदर्यकरण है, हम अपने कार्यकाल में इन कार्यों को पूरा करने का जो भी हमारा प्रयास रहेगा पूरा प्रयास रहेगा, इन कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।